अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम 3D मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ और कमांड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद यहां से इसे मैं जो इसका व्यू है वो SW आइसोमेट्रिक व्यू में ले आता हूं और इसे रियल लास्टिक कर लेता हूं। थोड़ा जूमिंग इसी बढ़ाता हूं और मैं एल इंटर करता हूं, एक लाइन और 10 फीट की लाइन ले लेता हूं। ओके सही है, अब इस यहां तक इसीलिए भी काम करना है। आज के लेसन में हमने पॉलीसॉलिड, प्लानर सरफेस, प्रेस पोल एंड स्मूथ के ऊपर काम करना है। इससे पहले हमने रिवॉल्व एंड स्वीप पे काम किया था और इससे प्रीवियस जो लेसन था उसमें हमने देखा था कि आप कोई भी वर्क प्लेस कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने 3D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और 3D मॉडलिंग के वर्क प्लेस को ऐड करना सीखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था आपके लिए। आज के लेसन में हम पॉलीसॉलिड पे काम करेंगे। तो पॉलीसॉलिड जो है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड करना चाहें तो आप उसको सॉलिड कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से सॉलिड बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप बाहर की दीवारें बनाना चाह रहे हैं, 3D वॉल बनाना चाह रहे हैं, तो आप पॉलीसॉलिड की मदद से चीजें बना सकते हैं। तो पॉलीसॉलिड के लिए सबसे पहले आप पॉलीसॉलिड पे क्लिक करेंगे तो इसके 4 ऑप्शन आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट, हाइट, विड्थ एंड जस्टिफाई। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलीसॉलिड ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं। इसकी हाइट आप ऐड हाइट इसको देना चाह रहे हैं हाइट दे सकते हैं, विड्थ देना चाह रहे हैं विड्थ दे सकते हैं। और जस्टिफाई मीन कि आप पॉलीसॉलिड जो है इसे सेंटर से ड्रैग करना चाह रहे हैं, लेफ्ट से करना चाह रहे हैं, राइट से करना चाह रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं 2-3 ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सर्कल बनाता हूं। सबसे पहले देखता हूं सर्कल पे काम करेगा कि नहीं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। ओके काफी यहां तक, पॉलीसॉलिड पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट के लिए ओ एंटर करें या फिर इस पे क्लिक करें, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलीसॉलिड ऑटो एडजस्ट हो चुके हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलीसॉलिड ऐड हुआ है तो इसमें ना तो हमने इसकी हाइट दी ना इसकी विड्थ दी, इनकी यहां से यहां तक कितनी हाइट थी वो भी हमें नहीं पता, इसकी विड्थ का भी नहीं पता, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसको। वो कैसे ऐड करेंगे उसमें हम डिस्कस करते हैं अभी। इसी तरह मैं पॉलीसॉलिड पे क्लिक करता हूं और ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूं, तो देखें ये भी ऑब्जेक्ट मेरे पास पॉलीसॉलिड में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसे पॉलीसॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी हाइट और विड्थ पे डिस्कस करते हैं, तो इसके हाइट और विड्थ देने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉलीसॉलिड के लिए क्लिक करता हूं यहाँ पे पॉलीसॉलिड में और यहां से ऑब्जेक्ट के बाद हाइट, इसको हाइट देते हैं, हाइट के लिए एच एंटर करता हूं या फिर इस पर क्लिक करूंगा, हाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी एक्टिव हो जाएगा और एच एंटर करूंगा तो अभी एक्टिव हो जाएगा। अब इसकी जो हाइट है ये बेसिकली 10 फीट है, आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 फीट, मीन कि यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो 10 फीट है। इसकी हाइट में बढ़ा देता हूं, मैं चाहता हूं इसकी हाइट आ जाएगी 20 फीट। अब नॉर्मल आप यहां से ड्रैग करें देखें तो ये बेसिकली यहां पे देखें तो वाकई ये 20 फीट के फासले पे है। क्लोज करता हूं, एंटर करता हूं, देख सकते हैं ये 20 फीट ही है। बाकी देखना चाह रहे हैं कि 20 फीट है कि नहीं तो आप यहां से ऑर्बिट का ऑप्शन यूज करें और यहां से देख सकते हैं, तो देखें ये इससे ज्यादा हाइट पे और ये बेसिकली 20 की हाइट है। अब ये जो ऊपर टॉप वाली जो विड्थ है इसकी, इसका हमें नहीं कंफर्म कि ये कितनी है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आप पॉलीसॉलिड पे क्लिक करेंगे, विड्थ के लिए W एंटर करें या फिर इस पर क्लिक करें, विड्थ इसकी 5 फिट है तो उसको मैं दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल 10 फिट। अब जब मैं यहां से ड्रैग करूंगा क्लोज सी फॉर क्लोज तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ भी यहां पे से बढ़ गई है, देख सकते हैं। ऑर्बिट यूज करते हैं, बाकी सब ठीक है, 10 फीट है लेकिन इसकी विड्थ क्या हो गई, ज्यादा बढ़ा दिया हमने, तो आप यहां पे पॉलीसॉलिड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसमें पॉलीसॉलिड ऐड करना है तो आप पॉलीसॉलिड पे क्लिक करें और आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो अब इसकी हाइट भी 10 फीट आ गई है, मीन हाइट इसकी आई थिंक 10 फीट मैंने दी है, 20 जो भी है वो भी आ गया और इसकी देखें बिल्कुल जो है तो इसकी वेट भी बिल्कुल इसके इक्वल है, तो पॉलीसॉलिड के ये फंक्शन है। जिसके बाद जस्टिफाई, जस्टिफाई का फंक्शन ये होता है आपके पास के जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलीसॉलिड
पे क्लिक करता हूँ और विड्थ के बाद जस्टिफाई, जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ, तो मुझसे कह रहे हैं कि आपने जस्टिफाई मीन कि आपने जब इसको इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम तो या फिर सेंटर से बनाते हैं या लेफ्ट से बनाते हैं, चाहे तो सेंटर से बनाओ, लेफ्ट से बनाओ या राइट से बनाओ, ड्रैग करो, तो आप यहाँ से जस्टिफाई चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ, अब जब मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा तो ये देखें बिल्कुल सेंटर से बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल सेंटर से मेरे पास बन रहा है, देख सकते हैं। इसी तरह राइट करना चाहे तो राइट से कर सकते हैं और लेफ्ट से करना चाहे तो लेफ्ट साइड से आप ये बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास प्लैनर सरफेस, प्लैनर सरफेस पे मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। अब यहां पे देखिए तो ये सरफेस पूरी मॉडलिंग है, सरफेस जैसे कि सॉलिड मॉडलिंग है तो इसी तरह सरफेस भी आपका पूरी मॉडलिंग है। तो सरफेस के ऊपर काम करने के लिए आपको मेरी 3D मॉडलिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम सॉलिड भी काम करेंगे, सरफेस का जितना भी काम है सरफेस, और इसके अलावा मैश मॉडलिंग होती है, जैसे कि मैं यहां पे आपको 3D मॉडलिंग में जाकर बताता हूं। 3D मॉडलिंग आ गया, इसमें होम में देखें तो आपस मॉडलिंग आ जाती है, मैश आ जाती है, सॉलिड रिंग, ड्रॉ, मॉडिफाई, मॉडिफाई में काफी सारे टूल जैसे जो अभी हमने नहीं पढ़े, क्यों? क्योंकि जैसे कि 3D मूव है वो डायरेक्ट में कमांड अप्लाई कर लेता हूँ, रोटेट है, 3D स्केल है, तो मॉडिफाई में कुछ काफी सारे टूल जैसे जो 3D के लिए यूज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है, व्यू आ जाते हैं और सब ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेयर्स है, ग्रुप्स वगैरह भी हमने इस पर भी काम किया था, लेकिन ये मैंने कमांड के थ्रू किया था, हमारे पास आर्किटेक्चर में ग्रुप का कोई भी यहाँ पे पैनल नहीं था। अब यहाँ पे देखें तो सॉलिड आपके पास आ जाता है कंप्लीट, इसके बाद सरफेस मॉडलिंग आ जाती है, मैश मॉडलिंग आ जाती है, तो ये जो चीजें आपके पास मैश आ गई, सरफेस आ गई, सॉलिड और होम में ये जो मॉडलिंग आ जाती है, ये सारी सारी हम 3D मॉडलिंग में, इंशाल्लाह 3D मॉडलिंग हमने किया हुआ है, तो आप ये 3D मॉडलिंग की वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको कंप्लीट हम उसमें हमने काफी सारे मॉडल बनाए, 3D मॉडलिंग के बेसिक टूल्स को समझा, उसके बाद हमने उसमें काफी सारे मॉडलिंग बनाए, जिस तरह हमने उसमें चेयर्स बनाई हैं, टेबल्स बनाए उसमें, इसी तरह हमने काफी सारी मॉडलिंग बनाई, हमने मैकेनिकल के ऑब्जेक्ट बनाए, हम साइकिल के टायर वगैरह बनाए, चेन बनाई, इसी तरह बैरिंग्स वगैरह बनाए, ये सारी मॉडलिंग हमने उसमें की है, तो उसके लिए आप 3D मॉडलिंग की वीडियो जरूर देखें। तो मैं यहाँ से जो है तो आर्किटेक्चर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अभी हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर में हमने हाउस डिजाइनिंग करनी है, स्टेयर्स वगैरह बनाने, हमने दरवाजे बनाने, खिड़कियां बनानी, ये भी बेसिकली मॉडलिंग होती है, तो आर्किटेक्चर में हम थोड़ी सी इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और सारा का सारा मॉडलिंग पे भी हम काम करेंगे। इसी तरह ऑटोकैड मैकेनिकल की आप वीडियो देखें तो मैकेनिकल के से रिलेटेड आपको सारी चीजें आ जाएंगी। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से करेंगे तो जो लोग ऑटोकैड जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो जो है तो इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग्स बना लेंगे वहां से ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से, तो उसमें हमने कंप्लीट सर्किट डिजाइनिंग किए, काफी सारे सर्किट हमने डिजाइन किए, और उसी के साथ हमने जो है तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के साथ हमने एक और सॉफ्टवेयर भी यूज किया था, स्मॉल सॉफ्टवेयर है जो कि आपका उसका नाम है आपका सर्किट कंस्ट्रक्शन किट, सर्किट उससे बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के, काफी सारे हमने इन चीजों के ऊपर काम किया, तो आपको जरूर देखें वीडियो को। मेरे पास यहाँ पे आप है जी सॉलिड के बाद है मेरे पास यहाँ पे प्लैनर सरफेस। प्लैनर सरफेस क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, अब इस रेक्टेंगल को मैं एक सरफेस बनाना चाह रहा हूँ, देखिए एक सिंपल रेक्टेंगल है, इसको सरफेस बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए बस प्लैनर सरफेस पे क्लिक करता हूँ और यहां से लेकर यहां तक और फिर वहां से वहां तक आपने एक सरफेस ड्रॉ करना है, तो देखिए एक सरफेस आपस बन गया यहाँ पे, अब आपस यहाँ पे एक सरफेस बन गए। अब इस सरफेस पे देखते हैं कि प्रेसपुल कमांड कहाँ कहाँ पे काम करेगी। अब जब मैं प्रेसपुल कमांड को ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक सरफेस यहाँ पे सरफेस के ऊपर ही काम हो रहा है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सरफेस जो होता है नॉर्मल कोई भी आप सिंपल सा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे कि मैं बना देता हूँ यहाँ पे जी प्लैनर सरफेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा तो देखें प्लैनर सरफेस की सूरत में बनता रहेगा, देख सकते हैं। तो एक प्लैनर सरफेस आपस यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट आपस प्रेसपुल कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये कमांड है और ये सारे के सारे काम जो एक्सट्रूड वाले भी काम करते हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे इसके फंक्शन है। तो प्रेसपुल कमांड क्या होती है कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक जैसे कि मैं एक अभी हमने दीवारें बनाई थी तो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेन क्या हमने पॉली सॉलिड पे काम किया था तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें इस पे भी कर लेते हैं और भी काफी चीजें करेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसको ऑफसेट ले लेता हूँ, एंटर, इसको थ्रो कर देता हूँ यहां से यहां तक,
बाहर वाला जो एरिया है इसको मैं जो है तो एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करूंगा, बाहर वाले एरिया को सिलेक्ट किया, देखें सिलेक्ट करता हूँ और यहां से ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। तो देखें जितना आप यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे, अब देखें यहाँ पे लेके आए तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अंदर वाले ऑब्जेक्ट को भी ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको भी आप एक ही साथ यहाँ पे देखें और ज्यादा ऊपर ला सकते हैं। तो ये प्रेस पुल कमांड के फंक्शन है, जिस कॉर्नर से जहां से भी आप किसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, यहां से मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करता हूँ बाहर ले आता हूँ, तो देखें ये प्रेस पुल की मदद से बाहर आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया और आप यहाँ पे देखें तो मल्टीपल का मतलब यह है कि आप काफी सारे और भी ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके आप एक साथ जो है तो उसे प्रेस पुल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करें। मैं इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं एंटर करूंगा और इनको देखें जितना भी बढ़ाना चाहें आप, देखें चारों साइडों से बढ़ रहे हैं, जितना बढ़ाना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो आप इसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये 200 फीट तक के बढ़ जाए, एंटर करता हूँ तो 200 फीट तक के क्या हो जाएंगे, हर साइड से बढ़ जाएंगे। इसी तरह प्रेस पुल कमांड का और भी फंक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है तो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो मैं यहां से जो है तो प्रेस पुल की मदद से इसको मैं बढ़ाता हूँ, इसको यहां तक ले आता हूँ, बढ़ा दिया। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी के ऊपर जो है तो एक, या इसको मैं यहां से रियलिस्टिक के बजाय में यहाँ पे 2D वायर फ्रेम पे लाता हूँ और मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सी एंटर, और यहाँ पे मैं सरफेस में व्यू में जाता हूँ और यहां से इसको जो है तो मैं वर्ड व्यू में लाता हूँ, सी एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसके बीच में मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, टॉप पे ले आते हैं टॉप सर्कल, सी एंटर करता हूँ, ओके अब यहां से जाते जाके एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं। अब यहां पे देखिए एक सर्कल में ड्रॉ कर लिया और इसको मैं यहां से जो है तो रियलिस्टिक में ले आता हूँ, ये सर्कल मेरे पास यहाँ पे देखिए टॉप व्यू में इसके पास आ गया किसी ऊपर। अब ये वाला बीच वाला एरिया इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ या कम करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखें तो सॉलिड में जाए, प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करें और इसको बाहर की तरफ में बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आपका सर्कल बाहर की तरफ आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ नहीं जी इसको मैं जो है तो अंदर वाली साइड पे ये होल सेक बनाना चाह रहा हूँ, प्रेस पुल कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ तो एक होल बन जाएगा, ठीक है, तो बीच में होल बन गया। ऑर्बिट को यूज करते हैं, 3D ऑर्बिट देखें तो एक होल बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो चीज है आपस ये बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल बीच में से खाली जगह बन जाए, क्योंकि मैंने जो होल बनाया है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये इलास्टिक में जाके सॉरी यहाँ से 2D वायरफ्रेम में जाके तो ये यहाँ तक बना हुआ है, देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल बीच में से खाली हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और ये इलास्टिक में क्लिक करता हूँ, ये सर्कल है, ये जो चीज है इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ बिल्कुल, तो मैं प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं बिल्कुल नीचे तक यहाँ पे एकदम से नीचे तक ले आता हूँ, तो ये बीच वाला एरिया जो है मेरे पास क्या हो गया जी, खाली हो गया। देखना चाहते हैं आप तो आप यहाँ पे से ऑर्बिट पे क्लिक करें और देखें जरा बीच में से, तो बीच का बिल्कुल खाली हो गया, और यहाँ से आप अगर ये इलास्टिक में जाके आप यहाँ से 2D वायरफ्रेम में जाके देखें तो देखें बीच का एरिया बिल्कुल खाली हो गया। इसी तरह आप और भी इस पे काफी सारे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको फ्रंट में ले आता हूँ, फ्रंट में ले और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और यहां से जाते हैं और एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में जाते हैं। अब ये जो चीज है इसको मैं यहां से खत्म करना चाह रहा हूँ, तो आप यहां से खत्म कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये इलास्टिक में जाता हूँ और प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बिल्कुल बाहर ले जाता हूँ, तो ये देखिएगा आप ये यहां से भी बिल्कुल होल बन गया, ऊपर से भी होल बन गया। तो ये इसके फंक्शन है कुछ वापस प्रेस पुल के फंक्शन है। नेक्स्ट है स्मूथ, स्मूथ का काम क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। व्यू में जाता हूँ और इसको मैं वर्ड
या फिर टॉप व्यू में ले आता हूं। नेक्स्ट आप बस स्मूथ, तो स्मूथ बेसिकली होता है आपके पास ये मैश मॉडलिंग के लिए यूज होता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो स्मूथ के साथ आप बस यहाँ पे मैश का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि रिफाइन मैश, मीन कि ये मैश मॉडलिंग है। स्मूथ के ऊपर क्लिक करके देखें तो यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज द लेवल स्मूथनेस फॉर मैश ऑब्जेक्ट बाय वन लेवल, तो मीन मैश मॉडलिंग के लिए यूज हो रहा है। अब मैश मॉडलिंग में के लिए क्या है कि आप बस यहाँ पे मैश का ऑप्शन तो यहाँ पे कोई है नहीं, मैश मॉडलिंग है नहीं, तो उसके लिए आप जो है तो एक काम करें कि आप यहां से इस पे जाएं और यहां पे मोर कमांड्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पे मैश टाइप करें, मैश टाइप करेंगे तो आप देखिए मैश बॉक्स आ जाता है, मैश कोन आ जाता है, मैश सिलेंडर शेप आ जाता है। इसको क्लिक करके आप ड्रैग करके यहां पे ले, तो ये मैंने तरीका बताया था आप कैसे इसको ला सकते हैं। जैसे कि मैश पे मैं क्लिक करके मैं यहां पे ले आता हूं, अब ये मेरे पास यहां पे आ गया मैश, और इसको मैं यहां से तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक मैश आ गया यहाँ पे। अब मैश पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक मैश का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरह मैश मॉडलिंग के लिए आप देखें तो आपके पास जो है तो आप यहाँ पे 3D मॉडलिंग में जाएं, 3D मॉडलिंग में मैश का ऑप्शन है, जैसे कि 3D मॉडलिंग में आकर यहाँ पे मैश है, मैश में मैश बॉक्स है। अब मैश के लिए मैं मैश बॉक्स जो है तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, मैश बॉक्स में ड्रॉ कर लिया। इसी तरह मैं मैश जो है तो स्फीयर भी ऐड कर लेता हूँ, देखता हूँ इस पर भी काम होगा कि नहीं, देखें ये ऐड हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे मैश और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, देखें सारी सारी मैश मॉडलिंग है। ओके अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं जो है तो आर्किटेक्चर में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है तो मैश के बाद मैं यहाँ पे बॉक्स यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मॉडलिंग से, ये वाला बॉक्स जो है मेरे पास मॉडलिंग वाले बॉक्स है, और इसी तरह मेरे पास जो है स्फीयर शेप है एक, तो आपको नजर आ रहा होगा इनमें फर्क क्या है मैश में और इसमें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक करता हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट जो कि मेरे मॉडलिंग वाले ऑब्जेक्ट इस पे क्लिक करके मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। कह रहे फिल्टर नॉन मैश ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेलेक्शन सेट, इसे फिल्टर करना चाह रहे नॉन मैश में, तो 3D मॉडलिंग के लिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें इतना खास कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये बेसिकली चीज जो ये है बनी इसीलिए आपस मैश के लिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्मूथ पे क्लिक करके, तो इसको मैं सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें ये क्या हो गया आपस, आपस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया। क्लिक करता हूँ और भी स्मूथ करता हूँ, क्लिक करता हूँ आपस यहाँ पे और भी स्मूथ जो कर सकते हैं, जितना आप स्मूथ करेंगे आप इसको स्मूथ कर सकते हैं, देख सकते हैं स्मूथ हो गया बहुत ज्यादा। और भी स्मूथ करना चाह रहे हैं क्लिक करें इसको एंटर करें स्मूथ हो जाएगा, देखें। इसी तरह अगर आप इसको स्मूथ लेस पे क्लिक करें तो स्मूथ लेस हो जाएगा, क्लिक करें स्मूथ लेस हो जाएगा, क्लिक करें स्मूथ लेस हो जाएगा, स्मूथ लेस हो गया देख सकते हैं, स्मूथलेस पे क्लिक करें तो स्मूथलेस, ये आपका लास्ट लेवल है स्मूथलेस का। इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं तो आप स्मूथ मोर पे क्लिक करें, फिर स्मूथ मोर पे क्लिक करें, देखें तो ये कितना स्मूथ हो रहा है, स्मूथ पे क्लिक करके क्लिक करें तो देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुके। इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं स्मूथ मोर पे क्लिक करें, स्मूथ मोर मोर, तो आप देखें तो बेसिकली मैच मॉडलिंग के लिए आपस यहाँ पे स्मूथ का ऑप्शन यूज होता है। तो यह था जी आज का लेसन आपका, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।